हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को पान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे उसकी केयर की जाती है, किस तरह से उसे प्रोपोगेट किया जाता है, क्योंकि ये एक डेलिकेट प्लांट है और मुझे लगता है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में पान जरूर हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को पान के बारे में थोड़ी जानकारी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहती हूँ। ये देखें, ये हरा भरा स्वस्थ और बहुत ही बढ़िया मेरा ये पान का प्लांट है और इसे मैंने तकरीबन 4-5 महीने हो गए लगाए हुए। लेकिन मैंने देखा है कि पान को पहले भी मैंने बहुत बार कोशिश की अपने घर में लगाने की, लेकिन कभी गलत टाइमिंग होने की वजह से, गलत सीजन होने की वजह से, गलत टेम्परेचर होने की वजह से मैं हर बार उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। जब भी हमें किसी प्लांट की फुल इन्फॉर्मेशन होती है तब उसे बचाना बहुत आसान हो जाता है, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो बहुत सारे जो उसे क्या कहें, बहुत बार फेल होने के बाद मुझे इस टाइम सक्सेस मिली है और मैं आप लोगों से इसलिए ये प्लांट अभी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अभी बहुत अच्छा मौसम है। सितंबर चल रहा है अभी और सितंबर अक्टूबर बहुत बढ़िया टाइम है, आप उस समय से इसे प्लांट कर सकते हैं तो इसका सक्सेस रेट ज़्यादा हो जाता है। जो प्लांट सालों साल से अगर मान लें कि आपके पास है, जिनकी रूट बहुत मजबूत हो गई है, वो थोड़ा क्लाइमेटिक कंडीशन झेल लेते हैं, लेकिन अगर आपने नया प्लांट लगाया है तो उसमें आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। आप देखें, आप इसके पत्तों को देखेंगे तो ये थोड़ा वैक्सी होते हैं, देखें थोड़े चमकीले से होते हैं, वैक्सी होते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, मगही, बनारसी और भी कलकत्ता के पान बहुत मशहूर हैं, बहुत सारे हैं। आप कोई भी वैरायटी चूज़ कर सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। जहाँ तक बात आती है गमलों में इसे लगाने की, तो ये थोड़ा ट्रिकी ज़रूर है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जैसे कि इसे आप छत पर नहीं लगा सकते। छत पर अगर आप लगाना भी है, आपको इसे थ्रू आउट सेड में डालना पड़ेगा, पार्शियल सेड में, नेट के नीचे रखें तभी ये प्लांट चल पाएगा। तो मैंने तो यहाँ तक नोटिस किया है कि मेरा एक आध बार जो मेरा प्लांट था, एक दिन पानी ना डालने से पूरा इसके जो मॉइस्चर इसका पूरा उड़ गया और उसके बाद ये फिर रिवाइव नहीं हो पाया। जैसे दूसरे प्लांट झुक जाते हैं पानी की कमी से, लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे वो रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन इस प्लांट के साथ ये एक माइनस पॉइंट है, एक ही दिन में आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पहले मिट्टी इसकी इतनी बढ़िया कर देनी है कि आपको 80% आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अभी मैं इसे बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने जा रही हूँ। आप चाहें तो इसे क्ले पॉट में, प्लास्टिक पॉट में, ग्रो बैग किसी में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है। पॉट का सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉट को आप चौड़े मुंह वाले जो गमले होते हैं उसे ना लें, जिनमें डेप्थ होती है नीचे से। जैसे ये लंबे, मेरा तो ये तकरीबन अभी शुरुआत का टाइम था इसलिए मैंने 8 इंच के पॉट में रखा हुआ है, लेकिन तो मैंने इससे एक साइज बड़ा पॉट लिया है। देखें ये 10 इंच का पॉट है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पान में क्या है वो देखें, मैंने इसमें कितने सारे ड्रेनेज होल दिए हैं वो आप देखें, बहुत सारे ड्रेनेज होल हैं। तो अगर आप एक या दो होल बना के छोड़ देते हैं तो भी ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इसकी वजह से भी अपना प्लांट खोया है। एक दो अगर होल हों, पानी कुछ दिन के लिए रह जाता है, हो ही जाता है बारिश में या फिर किसी और टाइम, मॉइस्चर नीचे कितना है आपको पता नहीं होता, तो इसकी वजह से आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारा होल डालें इसमें। हम अपने प्लांट की मिट्टी प्रिपेयर करेंगे और एक बार अगर हमने अच्छी मिट्टी बना ली तो समझ लें कि हमारा 80% काम तो कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए, ये गार्डन सोयल हमें 40% के करीब लेनी है। ये देखिए नॉर्मल जो मैं यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं। ये इसमें मैंने ये कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो नाइट्रोजन से भरपूर हो वो डालें, हो सके तो जो अगर आपके आसपास काउडंग मिल जाए, पुरानी काउडंग होनी चाहिए,
जो 1 से 2 साल पुरानी हो वो लें, बहुत अच्छा होता है इसके लिए। तो ये मिला लेनी है, ये आपको करीब 30% के करीब मिलानी है। तो हमने ये देखो ये ले लिया। इसके बाद नीम खली, जैसा कि मैं अपने हर पॉट में डालती हूँ, जब भी आप पॉट में कुछ लगाते हैं तो आपको नीम खली डालना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे आपकी मिट्टी अच्छी बनी रहेगी, कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छा पेस्टिसाइड भी है और एक अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करता है और ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है, इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसे आप अगर गार्डनिंग करते हैं तो सालों भर अपने पास रखें, बहुत ईजी अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है। इसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कोको पीट, वो हम इसमें ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि हमारे पान में, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला कि मॉइस्चर लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन भी आपका प्लांट सूखे की स्थिति में रह गया तो वो रिवाइव नहीं हो पाएगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस मॉइस्ट मिट्टी होने के लिए इसमें कोकोपीट ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैंने 20% के करीब कोकोपीट मिलाया है, ये मॉइस्चर को बना के रखेगा। हर प्लांट की नीड अलग अलग होती है, इसलिए हम अगर ये जान लें कि किस प्लांट में हमें किस तरह की मिट्टी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हम ज़मीन में नहीं लगा रहे अपने पौधे, जब भी हम गमले में लगाते हैं आप लोग सोचेंगे कि हर प्लांट के लिए अलग मिट्टी, इतना झंझट क्या, लेकिन ये ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप प्लांटेशन करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उसके बाद आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि हमें किस तरह के प्लांट में किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल करना है। और जब आप ये कॉम्बिनेशन बनाना सीख जाएंगे तो आप समझ लें कि इतना बड़ा गार्डन मैं अकेले संभालती हूँ, अगर इन चीज़ों को मैं फॉलो ना करूँ तो मेरा एक भी प्लांट नहीं चलने वाला। जिस क्लाइमेट में मैं रहती हूँ, जहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होते हैं, तो उसमें इस तरह से हरियाली करना अपने आप में एक चुनौती है। अगर आपके पास छोटी ईंटें हैं, ईंटों को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, या फिर आपके पास टूटे हुए गमले हैं तो इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े आप कर लें, ये बहुत अच्छा उपाय है। इससे आपके प्लांट को ठंडक मिलती रहेगी और पानी की कमी नहीं होगी, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होगा। ये हम उन जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जिनमें मॉइस्चर भी बहुत बढ़िया रहना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, इसके लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं यही डालूँगी इसमें, देखें तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक आप इस तरह से कर लें। इससे क्या होगा कि जब हमारे पान की जो रूट है वो नीचे जाएंगी तो कितना भी इसमें पानी अगर डल जाए, बारिश में हो ही जाता है पानी, या फिर हमसे भी कभी कभी गलती हो जाती है, अगर एक्स्ट्रा पानी हो जाता है तो ये जो मिट्टी के ये हैं, ये ठिकरियाँ हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं पानी को और इनकी रूट सुरक्षित रहती है। अब हम अपने प्लांट को इसमें सेट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखें, ये 1 से 1.5 इंच ये हमने डाल दिया। अब इसको मिला करके पहले एक लेयर दबा देना है इसमें, जैसे देखें से मिला लें और देखें कितनी, ये कोकोपीट डालने से हमारी मिट्टी कितनी हल्की और बढ़िया, बहुत अच्छा। अब सबसे पहले हम बस एक लेयर इस तरह से दबा देंगे, क्योंकि ऐसा ना करने से पानी बहुत जल्दी नीचे से निकल जाएगा, वो भी नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को फॉलो करें, एक चीज़ मिस हो गया तो फिर दूसरी चीज़ें आप संभाल नहीं पाएंगे। ये देखें बहुत बढ़िया रूट बनी हुई हैं, हमें सीधे डाल देना है, इनको कुछ भी नहीं करना, हमें किसी भी तरह इसके रूट को एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट होता है पान का प्लांट, थोड़ा इसमें थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है कभी भी हमें इसे। और कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि इनको इंडोर भी हम रख सकते हैं, अगर इसे पार्शियल शेड में रखना है तो, जैसे मनी प्लांट को रखते हैं या किसी और प्लांट को, लेकिन हमें इसे इंडोर बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप इसे नॉर्थ या फिर ईस्ट में रखें, जहाँ पे आपको सिर्फ मॉर्निंग की धूप मिले या फिर पार्शियल शेड मिले, ऐसे ही जगह इसको इस्टेब्लिश करना है। नहीं तो आप देखेंगे कि प्लांट तो लगा लिया आपने, लेकिन कोई भी पत्ती नहीं निकलेगी, हेल्दी प्लांट नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसे
कुछ हाइट तक ही रखने का, तो आप इसमें मॉस स्टिक लगाएं। मॉस स्टिक वो होती है जैसे हम मनी प्लांट में लगाते हैं, जिनसे इसमें जो एरियल रूट निकलती हैं वो वहाँ से मॉइस्चर खींचती रहती हैं, तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अगर आप जैसे ये वाइन है तो आप देखें, मैंने यहाँ पे स्टेकिंग की हुई है इस तरह के, तीन चार आप इसमें इस तरह की लकड़ियाँ लगा दें और उसको अच्छे से बांध दें अगर चारों तरफ से, और नहीं तो मार्केट में बहुत सारे इसके मिलते हैं, स्टेकिंग करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो आप लगा सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे ऊपर की तरफ ले जाना है, रस्सियों से बांधना है, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया है, लेकिन आप ये कर सकते हैं सपोर्ट सिस्टम के लिए। अब इसमें पानी डाल देना है अच्छे से, और हर एक दिन बीच करके हमें इसमें पानी डालना है, आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात, जब ठंड का मौसम आता है, अगर आप लोग इस एरिया में रहते हैं तो ठंड में इसकी डोरमेंट पीरियड आ जाती है, डोरमेंसी में चला जाता है, लीव्स पीली हो जाती हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है, इसमें कम से कम पानी देना है और इसे शेड में ले आना है, या तो आप अपने बालकनी में अंदर ले आएँ, रूम में नहीं रखना है इसे, और या फिर अगर छत पे है तो आप इसे किसी चीज़ से कवर कर दें, या नेट के नीचे डाल दें, या फिर कोई कपड़ा इस पे डाल दें, नहीं तो आपका प्लांट बच नहीं पाएगा, ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके फर्टिलाइज़र की बात आती है, बहुत अच्छा प्लांट है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप साल में दो बार स्प्रिंग के सीज़न और इस मंथ में सेप्टेम्बर अक्टूबर में दो टाइम आप इसमें थोड़ा सा काउडंग मैन्योर डाल दें, आपका प्लांट चलता रहेगा, इसके अलावा इसको किसी चीज़ की नीड नहीं है। बार बार इसको फर्टिलाइज ना करें, इससे भी आपका प्लांट खराब हो सकता है। इसके बाद आती है बात पेस्ट की, तो पेस्ट में इसमें रेड स्पाइडर माइट, आप देखेंगे कि जब नई नई इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, तो चूँकि ये मॉर्निंग सनलाइट में रहने वाला प्लांट है, इनडायरेक्ट सनलाइट में रहने वाला प्लांट है, तो इस पर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी ग्रोइंग पीरियड हो, न्यू शूट निकले, उस वक्त आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना है, इस पर 5 ml 1 liter पानी में डाल के स्प्रे करें, ऐसे थ्रू आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जहाँ तक प्रोपगेशन की बात आती है, तो मनी प्लांट की तरह ही हम इसे लगा सकते हैं, लेकिन हर मौसम में ये पानी में ग्रो नहीं करता। मैंने कुछ टाइम पहले देखें, सितंबर का टाइम है, मॉनसून के बाद हवा में मॉइस्चर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहता है, तो ये देखें इसमें से रूट निकल आई हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरह से प्रोपोगेट करना है तो ये मौसम सबसे बढ़िया है, आप इसमें करें तो रूट आएंगी, अदरवाइज़ किसी भी और मौसम में आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये रूट आ ही जाएंगी। तो 6 inch की कटिंग आप लगा सकते हैं, और इस तरह से जब रूट निकल जाए तो अभी जो मैंने आप लोगों को मिट्टी बना के दिखाई थी इसके लिए, उसी में लगा दें, ये बहुत आराम से लग जाएंगे और चलते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर, थैंक यू।